Once more. तेरे बिना गुजारा मैं है मुश्किल, मुझे आजमा की है तेरी कमी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको HD स्टेटस मिल जाएगा और सभी इमेजेस आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, सभी मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे दो XML मिलेगा, दोनों XML को हाईलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। अगर XML को हाईलाइट मोशन में इंपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको ये वाला हाईलाइट मोशन ऐप मेरा टेलीग्राम चैनल पे पिन किया हुआ मिल जाएगा। सिंपल से आपको ये वाला डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे हाईलाइट मोशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे जो डबल बिटमार्क है, ये जो डबल बिटमार्क है इसका मतलब है सेकंड इफेक्ट, और बाकी जितना भी सिंगल बिटमार्क दिखाई दे रहा है इसका मतलब है फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट ऐड करना है, टेम्पलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट ऐड करना है। इस तरीके से टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर लेना है। उसके बाद एरो पे क्लिक करना है, फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है, टेम्पलेट का बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, टेम्पलेट का ऑडियो म्यूट करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है, लाइटन में आने के बाद स्किन कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जो XML में ऑडियो है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि XML पे ऑडियो नहीं आता है। तो कैसे ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको टेलीग्राम चैनल पे स्टेटस वीडियो मिल जाएगा, जो फुल स्टेटस वीडियो है आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो को आपको यहाँ पे ऐड करना है, ऊपर जो थ्री डॉट है थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो दिखाई दे रहा है एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करना है, जो साउंड है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो सॉन्ग है वो ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद जो वीडियो है इसको सिंपल से डिलीट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद एरो पे क्लिक करके फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है। अभी आपको यहाँ पे इमेजेस ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको इमेजेस ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से आपको यहाँ पे इमेजेस ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। इसी तरह आपको बिटमार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है। और ये सभी इमेजेस आपको अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे आपको ये सभी इमेजेस इजीली मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप इजीली ये सब इमेज डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ बिटमार्क के हिसाब से, आपको भी यहाँ पे सेम इस तरीके से कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करके आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बिटमार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को ऐड कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे बैक आना है, तो शेक इफेक्ट है, शेक इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑन इफेक्ट देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके पास जो टेक्स्ट इफेक्ट है इसको क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, यहाँ से आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, जितना भी लिरिक्स है सभी लिरिक्स पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इस तरीके से जितना भी लिरिक्स है सभी लिरिक्स पे आपको ये वाला इफेक्ट जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद आपको फिर से शेक इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे इफेक्ट आने इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, ऐसे आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है, फर्स्ट इमेज पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बिटमार्क है इसको छोड़ देना है, फिर से सिंगल बिटमार्क पे जाना है, इमेजेस पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है, जितना भी सिंगल बिटमार्क है सभी इमेजेस पे आपको फर्स्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी सेम वैसे कर लेना है, और डबल बिटमार्क को छोड़ देना है क्योंकि डबल बिटमार्क पे सेकंड इफेक्ट जो है वो पेस्ट होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है, जितना भी सिंगल बिटमार्क है सभी इमेजेस पे आपको फर्स्ट इफेक्ट पेस्ट करना है, ठीक है।
उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, फिर से शेक इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको इफेक्ट टू दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो सीसी है दोनों सीसी को इस तरीके से लेफ्ट पे होल्ड करके सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस है प्लस पे क्लिक करना है, कॉपी टू लेयर कर देना है, यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है, ठीक है। उसके बाद डबल बिटमार्क पे जाना है, जितना भी डबल बिटमार्क है सभी इमेजेस पे आपको जो सेकेंड इफेक्ट है कॉपी किया था इसको सिंपल से पेस्ट कर देना है, डबल बिटमार्क वाला जितना भी इमेजेस है सभी इमेजेस पे आपको ये कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हो हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।